बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज हम हैं अहमदाबाद संस्कृति बाय संजय देसाई में और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे बेहतरीन सूट पीसेस के अलावा और क्या क्या इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। देखा कि हमने थ्री पीस फैब्रिक्स देखे थे जिसमें दुपट्टा, बॉटम और शर्ट पीस था। अभी जो संजय भाई जो अभी दिखाने जा रहे हैं वो उनके पास जो थान अवेलेबल है जिसमें से आप किसी तरह के भी ड्रेस मटेरियल बनवा सकते हैं, चाहे वो सिंगल ड्रेस हो, लोअर्स हो या शर्ट्स हो, जो भी आपको चाहिए। तो अभी दिखाते हैं संजय भाई की क्या है उनके पास ड्रेस थान में अवेलेबल। ये बरसों से कॉटन के लिए हम फेमस है। ये जो फैब्रिक है वो सब हैंड ब्लॉक प्रिंटेड के, जो फैब्रिक रॉ मटेरियल परचेस करके हम उसको डाइंग प्रिंटिंग और सब प्रोसेस करवाते हैं। शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ता, टॉप, वन पीस, स्कर्ट है, एनी टाइम आप वेराइटीज उसमें से क्रिएट करके पहन सकते हो। इसमें काफ़ी है मेरे पास शेड्स और वेराइटीज मिलती है। ये जो उसमें डिफरेंट कलर और जो रहते हैं, तो इसका कैसे मीटर में? बाय मीटर वो 100-120 से स्टार्ट होता है, अप टू 800 तक मीटर वेराइटीज है, अलग अलग किस्म के फैब्रिक है। यहाँ की ऑल्सो फेमस है कच्ची प्रिंट बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज प्रिंट है। इसमें भी 12 से 15 कलर्स और डिज़ाइने काफ़ी सारी मिलती है। अलग अलग डिज़ाइंस और कलर्स आते हैं इसमें। ये जो वैक्स ब्लॉक प्रिंट है कच्छ और गुजरात का फेमस बाटिक बोलते हैं इसको, ये मोम बाटिक से बनता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्रशिंग हो रही है, एवरीथिंग जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटेड और उसकी जो पहचान है मेरे यहाँ में, आप कहीं भी जाओ तो आपको ये चीज़ रिकग्नाइज करनी है तो 6-8 इंचज का उसका ये स्क्वायर दिखेगा, वही उसकी पहचान है कि आप और ये ओरिजिनल ब्लॉक प्रिंट और जो है जो आप उसका स्क्वायरिस देख रहे हो, बिकॉज ऑफ ये ओरिजिनल इट को आज के फैशन में कई लोगों ने उसकी नकल करके जो रोटरी हैंड के अलावा रोटरी है, स्क्रीन है, ऐसे जो अलग अलग तरीके की जो प्रोसेस में करके आम पब्लिक को वो बोल रहे ब्लॉक प्रिंट ही है, लेकिन ये हमारे जैसे कहीं चुनिंदी जगह पे ही ये चीज़ आपको मिलेगी प्रोसेस, और वो लोग हैं वो उसकी नकल करके ये चीज़ को ओरिजिनल के रूप में पेश कर रहे हैं। आम पब्लिक को भी उसकी पता नहीं है, इसके लिए मैं खास स्पेशली बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जाओ तो उसका 6-8 इंच का ये जॉइंट पार्ट दिख रहा है, ऐसे फैब्रिक को वॉबलिंग करोगे तो उसका आपको ऐसे जॉइंट जैसा दिखेगा, वही उसकी ब्लॉक प्रिंट की पहचान है। इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको हर कोई ये बताएगा नहीं, और ये हर कोई चीज़ है जो हमारे जैसी पुरानी शॉप या क्राफ्टेड है उधर ही आपको मिल सकते हैं। ये भी गुजरात का फेमस है, दाबू ब्लॉक प्रिंट है। ये टिपिकल यहाँ के गांव में औरतें इसका लहंगे की तरह यूज़ करती है। ये 33 विड्थ में आती है और उसका 582-6 मीटर का पीस आता है। वो पूरा स्कर्ट्स लहंगे के लिए जो गुजरात में चनिया बोलते हैं उसके इस्तेमाल करती है। वैसे ये नेचुरल डाई है, विदाउट केमिकल्स, इको फ्रेंडली, जो अपने पोमग्रेनेट इंग्लिश में बोलते हैं और गुजरात में दाड़म बोलते हैं, अनार बोलते हैं। ये अनार के छिकले से और उसमें से ये जो चीज़ क्रिएट है, और ये भी जो ग्रीन है ये वनस्पति जन्य है उसमें से बनता है, ये लील ग्रीन बोलते हैं। ये भी उसके पत्तों को पीस के कूट के बनाते हैं ये कलर। ये भी हर्बल प्रोडक्ट से टोटली एंटर क्लोथ से प्योरली नेचुरल है विदाउट केमिकल्स, वैसे ही रहेगा, बट कोई वादा नहीं है। 6-8 मंथ तक तो मैडम किसी को भी लिए आप समझ लो कि कुछ सॉल्ट के पानी, हाँ नॉर्मल वॉशिंग में ही आप उसको यूज़ करो, बिकॉज ऑफ हाई केमिकल वाला जो हाई वाइटनेस वाला जो है वो नहीं, अपना नॉर्मल सर्फ है, डिटर्जेंट, नॉर्मल डिटर्जेंट में आप वॉश करोगे और उसको जब मेरे ऐसे नहीं, हर कोई कॉटन कपड़ा है तो आप शेल्टर में रखो या सनलाइट आती है तो उसको रिवर्स साइड वॉश करके सुखाओ तो जैसे कल लिया इतना ही फ्रेश दिखेगा। वैसे है एक शिबोरी बटिक बोलते, ये शाटिन पे है, ये सुई धागे से बना हुआ है, जो आप देख रहे हो ये अनइवन वेव्स इसके दिखेंगे, और इसके जो आप बारीकाई से देखोगे तो सर इसके नॉच है, ये जो बीच में इस पे होल्स, आप छोटे-छोटे होल्स, तो ये सुई धागे से ऐसे उसको पूरा कपड़ा सील करके उसको फिर डाइंग होता है, देन आफ्टर डाइंग होने के बाद ये धागा खींच लेते हैं तो ये इफेक्ट क्रिएट होती है पूरी। ये भी जापानीज के साथ अपना इंडियन क्राफ्ट है, ये एक्चुअली जापान में उसको शिबोरी बोलते हैं, बट अपने यहाँ गुजरात में और बरसों से राजस्थान सब उसको टाइडाई के नाम से पहचानते हैं, जस्ट उसमें थोड़ा सा अलग वर्जन है। जो वैसे सूट्स में आपको बताया ऐसी तरह प्लेन फैब्रिक तो डिफरेंट कई टाइप के 40, 60, 40, 60, 40 मॉडल मसलिन जो भी पीछे आएगा, ये जो चिकन फैब्रिक है इसके साथ हम बोल प्रिंट और ये उसका
मुगल प्रिंट जो हमारी स्पेशलिटी है, ये गोल्ड के साथ, और ये चिकन है फैब्रिक में, नीचे चिकन का बॉर्डर है। मैं देख रही हूँ फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। ये भी आप कुर्ता है, पैंट प्लाजो, उसका लहंगे में भी इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ये दाबू प्रिंट बोलते हैं, ये भी बहुत फेमस है, प्योर नेचुरल इंडिको से बनती है। okay. उसमें भी काफ़ी 6 से 8 कलर डेवलप होते हैं। उसमें ये अलग अलग किस्म की 2 कलर्स 3 कलर्स डिफरेंट प्रिंटिंग है। ये प्योर कलमकारी वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंट है ये बहन जी। ये उसमें जो कलर्स देख रहे हो, ये प्योरली आयन वेस्ट और गुड से बनता है। जो उसकी डेफनेस है वो ओरिजिनल कलर अपना जो आयन होता है जो अपने बिल्डिंग मटेरियल्स में और जो बनता है वो बड़े ऐसे मटके में, उसके साथ जो 3rd या 4th क्वालिटी का गुड़ होता है जो अपने खाने में लेते हैं, जो वेस्ट ऑफ गुड्स है वो उसमें डाल के और सम अदर नेचुरल चीज डाल के वो बड़े मटके में उसको जमीन में 2.5-3 फुट अंदर उसको कपड़े से सील करके 2-2.5 महीने तक लगा देते, तो वो नेचुरल हीट से मटके में ये कलर पूरा उसका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और जो कलर तैयार होता है उससे ये ब्लैक छपता है। हाँ, 2.5-3 महीना। हाँ, और ये नेचुरल डाई में है। इसी तरह जो दाबू में बताया, ये दाबू में भी अभी नया क्रिएशन है हमारा, ये मल्टी कलर इफेक्ट है, ये वाइट और ब्लू का ही डिम लाइट है, उसके साथ रेड येलो ऐसे अलग अलग किस्म की प्रिंट का शेड डेवलप किया है साथ में। ऐसे यहाँ की ये वेजिटेबल प्रिंट्स है, कच्ची प्रिंट, उसमें भी काफ़ी शेड्स और आते हैं, और ये उसमें रस्ट ब्लैक ऐसे कई शेड्स आते हैं। ये सब ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये सब नेचुरल वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंट है विदाउट केमिकल्स वाले। अलग अलग फैब्रिक और भी इस्तेमाल कर रही है, जाम शार्टिन है, उसमें भी कलर्स डिज़ाइन और सब आती है। तो थोड़ा शाइनी और सॉफ्ट फील में चाहिए जो कॉटन के अलावा थोड़ा लस्टर वाला और चाहिए तो उसमें भी है। ओके, देखिए तो इन सब का अगेन प्राइस रेंज डिफरेंट। हाँ, सब अलग अलग अबाउट 120-85 से लेके 850 तक वेराइटीज़ है। फिर ये एक तगाई फैब्रिक है, ये विविंग क्लोथ आता है इस टाइप के प्लाजोस। हाँ, उसके साथ ये दाबू प्रिंट किया है, आप देख रहे हैं जो हैंड व्यू, जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये पूरा वीविंग का फैब्रिक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी माइन्यूट वीविंग है। ये सब मोडल और मसलिन अभी का लेटेस्ट सॉफ्ट फील और सबको फॉली फैब्रिक और सम फ्लेयर वाले ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये फैब्रिक अभी नया है, ये मसलिन पे है। उसमें भी काफ़ी वेराइटीज और आपको मिलेगी, एकदम बारीक है प्रिंट, और आप कलर स्कीम देख रहे हो कितने कलर का काम है, 6-8 कलर्स का प्रिंटिंग है। राइट, इतना माइनर और बारीकाई से जो प्रिंटिंग करना है ये बहुत मेरे लिए टफ जॉब रहता है। आप देखो कोई भी जगह पे आपको उसकी कोई भी कंप्लेन या कुछ नज़र नहीं आएगी, इतना क्लियरिटी से ये प्रिंट हो रहा है। तो ये समर वेयर भी? हाँ, समर वेयर में भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। ऑल्सो ये नेचुरल, ये गजी कपड़ा जो अपने ड्रेसिंग में पहले बताया वही, उसके साथ ये हाँ यूज होता है। ये कुर्ता आप साड़ी ब्लाउज एनी डेम्स लॉन्ग स्कर्ट्स कुछ भी बना सकते हो उसमें। ये भी जो प्रिंट किया है वो नेचुरल है विदाउट केमिकल्स। इनका प्राइस रेंज क्या है? वो अबाउट प्लेन से 350 से लेके 450-500 तक, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस के हिसाब से रेट रहता है इसका। सो इसके साथ हम समर का कंसेप्ट में भी क्यों भूल जाए, तो ये लिनन फैब्रिक है। okay. ये लिनन बाय लिनन है जो आप देख रहे हो। भी बहुत सॉफ्ट में लिनन, एकदम सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट फिली क्या नॉर्मल प्रेस से ही चलेगा उसको, नॉट नेसेसरी स्टार्च की। अच्छा। अब भले वन डे या आप 2-3 घंटे के लिए पहनना हो या पूरा दिन पहनो तो उसका फीलिंग यही रहेगा। क्योंकि जो आफ्टर वॉश भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वॉश किया हुआ आता है, गारंटेड फास्ट है। कलर स्कीम और उसके लिए हमारी पूरी गारंटी रहती है, बिकॉज ऑफ व्हाइट के अलावा छोड़ के डार्क कलर है जो बेसिकली नेफ्थोल और वो डाइज है या इंडिको, मैंने आपको आगे बताया ये सब चीज़ों में है। ये थोड़ा सा कस्टमर को भी केयर करना है, और ये नेचुरल डाई है, जैसे अपने नए जीन्स लेते तो फ्यू वॉशिज तक उसका कलर रन होता है, हमारी फास्टनेस वो है कि ये ब्लू या येलो रन हो के एक दूसरे में नहीं बैठेगा, वो मेरी फास्टनेस रहती है। बट उसका कलर रिंग पानी तो आफ्टर फ्यू वॉश तक होगा ही, जस्ट फ्यू वॉश कंपल्सरली सेपरेटली वॉश। हाँ, बाकी प्रिंट की उसकी जो वॉशिंग की प्रोसीजर होके ही आती है पूरी, बनाते वो भी 350 से लेके 600 रुपये तक की उसकी रेंज पड़ती है अलग अलग। तो ये जो आप 350 बता रहे हैं दैट इज पर मीटर? पर मीटर। हाँ, ये सब फैब्रिक पर मीटर ही आएगा। ठीक है। ऑल्सो ये अनोखी प्रिंट्स बोलते हैं पेस्टल, या आप उसका कलर स्कीम गिनो कितने कलर का प्रिंटिंग है इसमें।
ये 6 to 8 कलर्स ये जो उसकी मास्टरी है ये कपड़े की और ये प्रिंटर्स की है और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वर्कर्स ये प्राउड ऑफ पावर है बिकॉज ऑफ उनको कहीं को भी राष्ट्रपति अवार्ड अपना नेशनल अवार्ड मिला हुआ यूनिट में हमारा ये काम हो रहा है तो तभी हम इसी मुकाम पे उन लोगों के साथ और उसको भी क्रिएट करके हम इम्प्रूव करके आज ये लेवल पे है और उनको भी साथ लेके चल रहे हैं कि इनका जो क्रिएशन है वो हम आम जनता को मिले और उसके सामने पेश कर सके। कलर कॉम्बिनेशन इतने सारे देना इट्स वेरी टफ जॉब और इसमें टाइम भी बहुत लगता होगा। हाँ, इतने ये सारे माइन्यूट मोर देन समझो कि ये 3 काम 4 काम वाला थान है तो 2.5 से 3 घंटे पे 3 कारीगर की जोड़ होगी। Okay. एक टेबल पे ये मैं उसकी प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको कि जो थान बिछाते हैं उसका 5 मीटर्स का टेबल होता है 10 मीटर्स का थान तो पहले ये आउटिंग छापेंगे जस्ट बोलते हैं जो डिज़ाइन का आउटिंग अपने करते हैं ये इसके बाद में उससे लाइटर कलर छपाई होगा उसके बाद में उससे थोड़ा डार्क ऐसी तरह कारीगरों की पैनल चलती है टेबल्स के 2 तरफ से ट्रॉली लेके ट्रॉली में तसाई ताश होता है उसमें कलर बने हुए रहते वो करके ऐसे ऐसे ब्लॉक करते जाते हैं वो लोग कपड़े पे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन लास्ट में वो डार्क वाला जो ग्राउंड वाला पोर्शन है उसी कलर का ब्लॉक लगेगा तो उससे ये कलर लगता है। अभी एक रेयॉन पे क्रशिंग दाबू है ये जो आप देख रहे हो ये ब्रूश और उससे बनता है। ओके और ये भी सॉफ्ट फील है टाइप। हाँ और स्वेड जैसे जस्ट लाइक स्वेड या और ये फैब्रिक की स्पेशलिटी क्या है आप 2 तरफ उसको स्टिच कर सकते हो। ये रेयॉन पे कलमकारी ये फैब्रिक पे भी काफ़ी आपको चॉइस मिल सकती है। ये कलमकारी ब्लॉक प्रिंट है ये जो है अबाउ ये सब 150 से 250 रुपये तक की रेंज में है। ये चंदेरी है आप देख रहे हो ये भी मैंने बोला ना ये बनारस का वर्जन है कपड़ा वहाँ का है उस पर हम यहाँ डाइंग प्रिंटिंग और सब करते हैं तो ये इसकी ब्राइटनेस है और ये चंदेरी कपड़ा है जैसे सेमी फॉर्मल फंक्शन या पार्टी वेयर उसमें लाइनिंग्स जरूर लगता है बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सॉफ्ट हैंडल विद केयर फैब्रिक है तो उसमें मस्ट बी लाइनिंग जरूरी है स्टिचिंग पार्ट। ओके ये 250 से लेके 350-400 तक अलग अलग प्रोसेस की कपड़ा एक ही रहता है उसमें जो प्रिंटिंग डिफरेंट काइंड की है उसी तरह प्राइस रेंज अप डाउन होती रहती है। और ये जो है सेमी सिल्क उस पर भी प्रिंटिंग की वेराइटीज़ है अलग अलग मतलब अलग अलग किस्म के फैब्रिक मैंने जैसे बताया ये प्रिंट्स में ये आप देख रहे हो शाइनिंग टू वेयर जैसे हम सेमी ओकेजन में भी जॉर्जेट पे अभी मेरा क्रिएशन है ये जस्ट अभी नया सैम्पलिंग ही किया हुआ है ये जॉर्जेट फैब्रिक है प्योर जॉर्जेट उस पर ये दाबू ब्लॉक प्रिंट है डिफरेंट काइंड आप देख रहे हो ये मिट्टी से प्रिंट हो रही है जो इंडिको डाई है बट ये हेम्प प्रोडक्ट्स है ये प्योरली हर्बल है विदाउट केमिकल्स प्योर वनस्पति जो आप देख रहे हो ये अनोखी है उसके साथ ये व्हाइट हाथ का काम है जो धागे दिख रहे हो ना ये हैंड स्टिच है पूरा ये जो आपने जो ये सब फैब्रिक देखा वो सब फैब्रिक का हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप के थान में मैं ये देख रही हूँ कि इसका बेडशीट भी बनाए तो भी अच्छा लगेगा कुर्तीज बनाए ड्रेस बनाए मतलब स्कर्ट्स और ये जो आप देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप की हर एक टाइप की प्रिंट हमने इस्तेमाल किया है इसमें यूज किया है। ये दाबू है ये ब्लैक एंड व्हाइट जो सनलाइट प्रिंट है ये कलमकारी है वो इंडिको तो इसका प्राइस कॉस्ट क्या रहता है। ये 350 से 400 रुपये मीटर तक पर अलग अलग रेंज जो कपड़ा इस्तेमाल होता है और जो लास्ट में है उसमें मास्टरी और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद भी जो हमने ये फैब्रिक बताया काफी सॉफ्ट है। हाँ, ये भी जो आप वैसे भी जो बता रहे हैं ना कि सॉफ्ट सिल्क और ये पहनने वाले कस्टमर भी पहने सुबह से शाम तक और समझो 45 डिग्री में भी पहनेगा तो उसको कोई गर्मी नहीं लगेगी उसकी खास स्पेशलिटी वो है। और इनका प्राइस रेंज वो 300 to 400-450 तक है। इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे संस्कृति पर मिलने वाली कुछ फैंटास्टिक गुजराती एक्सेसरीज जिसे आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।